तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस को विदाउट TWR रिकवरी विदाउट एनी PC के बहुत ही आसान से कुछ इस प्रकार से रूट कर सकते हो। दोस्तों मैंने ये क्लिप सामने में इसीलिए लगाया जिससे आपको कन्फर्म हो जाए दोस्तों मैंने अपने डिवाइस विदाउट PC विदाउट TWR रिकवरी के बहुत ही आसानी से रूट कर रखा है। तो सबसे पहले दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपना गूगल ओपन कर देना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है दोस्तों मैजिक मैनेजर 26.0 APK। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप जैसे सर्च करेंगे जो कि मैजिक मैनेजर का लेटेस्ट वर्जन आया चुका है दोस्तों जिसका नाम है 26.0 करके, तो इस वर्जन को दोस्तों आपको सिंपली से अपने मैजिक मैनेजर के लेटेस्ट वेबसाइट पे चली जानी है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 26.0 करके, ये APK दोस्तों आपको अपने डिवाइस में कर लेना है डाउनलोड। मैं कर लेता हूँ दोस्तों डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक। आपको भी दोस्तों इसको डाउनलोड अपने डिवाइस में कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर से आपका सिंपली से बहुत ही जल्द आपका डाउनलोड कंप्लीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारा डाउनलोड, यहाँ पर हम डाउनलोड एनीवे पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा डाउनलोडिंग यहाँ पर से स्टार्ट हो चुका है। इसको दोस्तों पूरी तरीके से आपको डाउनलोड डिवाइस में कर लेना है। मैं कर देता हूँ दोस्तों इस एप्लीकेशन को डिवाइस में डाउनलोड। अभी दोस्तों आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड ही करना है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने डिवाइस की सेटिंग ओपन कर लेनी है। मैं कर देता हूँ दोस्तों अपने डिवाइस की सेटिंग्स को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको चले जाना है अपने अबाउट फोन वाले सेक्शन पे। अबाउट फोन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक वर्जन का ऑप्शन, जरा उसमें अबाउट फोन को कर लेता हूँ सिंपली से क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों वर्जन पे जाऊंगा। वर्जन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे को मिल जाएगा बिल्ड नंबर ऊपर में, तो बिल्ड नंबर पे दोस्तों मैं कर लेता हूँ 7 temp press। अगर आपका MIUI का डिवाइस है तो आप MIUI वर्जन पे 7 temp press करेंगे, देन आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल्ड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद दोस्तों मेरा डेवलपर ऑप्शन एनेबल्ड हो चुका है। अब मैं कर लेता हूँ एडिशनल सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शन को ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से मैं कर लेता हूँ सिंपल से क्लिक। क्लिक करने के बाद पहले से मेरे में एनेबल्ड है, अगर आपके में एनेबल्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप सिंपली से क्लिक करके दोस्तों इस डेवलपर ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको ओके कर देना है। देन दोस्तों नीचे आने के बाद आपको दिख जाएगा OEM अनलॉक, ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपको सिंपली से एनेबल्ड रहेगा, एनेबल्ड नहीं रहेगा तो इसको एनेबल कर लेना है। OEM अनलॉक ये मेन सेटिंग है दोस्तों, आपकी एनेबल रहनी चाहिए। देन दोस्तों USB डिबगिंग ऑप्शन को आपको सिंपली से एनेबल कर लेना है। देन यहाँ पर से आपका डेवलपर ऑप्शन से सेटिंग से हो चुकी काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको आ जानी है बैक। बैक आने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, अब अपने फाइल मैनेजर को ओपन। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है अपने APK वाले ऑप्शन पे। APK वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मैजिक मैनेजर का लेटेस्ट वर्जन का APK आपने जो डाउनलोड किया था दोस्तों उसको कर लेना है अपने डिवाइस में सिंपली से इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पर से आपको ओपन नहीं करना है, अब आपको बैक आनी है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है अपने ऐप वाले ऑप्शन पे। ऐप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इसको लॉन्ग प्रेस करना है दोस्तों। मैजिक को लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसके आप ऐप इन्फो पे चले आएंगे। ऐप इन्फो पे आने के बाद आपको दिख जाएगा बैटरी यूजेस का ऑप्शन। बैटरी यूजेस पे जाने के बाद दोस्तों अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी वाला ऑप्शन दोस्तों आपको सिंपली से एनेबल कर रहे हैं। देन आपके यहां पर से हो चुका है दोस्तों, यहां पर अलाउ मांगेगा, अलाउ आपको कर देना है दोस्तों। देन यहां पर से दोस्तों यहां पर से इस सेटिंग से हो चुके है आपके काम कंप्लीट। अब दोस्तों आपको मैजिक मैनेजर एप्लीकेशन को कर लेना है सिंपली से ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा मैजिक मैनेजर का। अब दोस्तों आपको इसमें अपनी पैची फाइल फ्लैश करानी है। पैची फाइल कैसे प्लेस कराएंगे दोस्तों, उसका लिंक दोस्तों मैंने आपको कॉमेंट बॉक्स पर पिन कर रखा है, वहां पर से आप डायरेक्टली जाके पैची फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने पैची फाइल को अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पे लोकेट कर रखा है। मैं उसको देख लेता हूं दोस्तों एक बार कि वहां पर लोकेटेड है या फिर नहीं, आपको भी दोस्तों अपने डिवाइस में एक बार चेक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों मैजिक पैची 26.0 की इमेज फाइल मेरे यहाँ पर लोकेटेड है। तो मैं कर लेता हूँ दोस्तों अपने मैजिक मैनेजर एप्लीकेशन को फिर से ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं कर लेता हूँ अपने मैजिक के बगल में इंस्टॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे को दिख जाएगा पैचे वी बीटा इमेज का ऑप्शन। पैचे वी बीटा वाले ऑप्शन पे कर देता हूँ मैं सिंपली से क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों कर लेता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेलेक्ट पैचे फाइल का ऑप्शन। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उसी फाइल को दोस्तों सिंपली से लोकेट कर लेता हूँ। सबसे पहले जरा जाता हूँ अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में। देन दोस्तों मैं चला जाता हूँ अपने डाउनलोड वाले फोल्डर पर। डाउनलोड वाले फोल्डर पर सिंपली से क्लिक करने के बाद मेरे को दिख जाएगा मैजिक पैचे 26.0 इमेज फाइल करके। इस फाइल को दोस्तों मैं सिंपली से कर लेता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं
मैं कर लेता हूँ ओके वाले बटन पर क्लिक, दैन दोस्तों लेस गो का बटन मेरे को देखने को मिल रहा है, उस वाले ऑप्शन पर सिंपली से मैं कर लेता हूँ दोस्तों क्लिक, जो कि दोस्तों 26.0 वर्जन के लिए कंपेटेबल है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ दोस्तों इसको फ्लैशिंग स्टार्ट। फ्लैशिंग स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हमारा डिवाइस ये देखिए ऑल डन लिखा हुआ आ चुका, बहुत ही जल्दी ये फाइल फ्लैश हो जाएगी आपके डिवाइस में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप मैजिक को 26.0 को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फ्लैश करा सकते हैं, दैन दोस्तों अपने डिवाइस को बहुत ही आसानी से रूट कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।